किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बताएंगे आप लोगों को कि सरसों में जो हमारे खरपतवार होते हैं उनको कैसे नियंत्रण करें। तो आप लोगों को सबसे पहले बुआई के 2-3 दिन बाद आप लोगों को ये रासायनिक दवाई का स्प्रे करना पड़ेगा, जिससे कि आपके सरसों की फसल में खरपतवार बिल्कुल नहीं उगेंगे और आपके जो सरसों हैं वो बेहद सुरक्षित बने रहेंगे। क्योंकि अगर हमारे फसल में खरपतवार उगाते हैं तो हम कोई भी पोषक तत्व डालते हैं तो खरपतवार जो हमारे उनको पौधे को नीची सतह में दाबकर अपना ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं और निकल आते हैं, जिससे कि हमारी फसल दब जाती है। तो आपकी जब फसल, अगर आप खरपतवार रासायनिक दवा नहीं डालना चाहते तो आप निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं आसानी तरीके से। और हमारी जो दूसरी सिंचाई के बाद जो हमारा सरसों की खेती में बुआई के 15 से 20 दिन बाद घने पौधे को निकाल कर आप उनकी आपसी की दूरी 15 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। और खरपतवार नष्ट करने के लिए निराई गुड़ाई सिंचाई के पहले और दूसरी सिंचाई के बाद कर दें, जिससे कि आपको रासायनिक दवाई नहीं डालनी पड़ेगी और आपकी जो फसल है वो सुरक्षित बनी रहेगी। अगर आप रासायनिक दवा का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमारी फसल पर भी प्रभाव पड़ता है। रासायनिक दवा आपको डालना है जब हमारी बुआई के 2 या 3 दिन बाद हमें डाल देना चाहिए। उसके लिए आप लोगों को लेना पड़ेगा पेंडामेथिलीन 30 cc। इसकी मात्रा आपको 3 लीटर लेनी है और प्रति हेक्टेयर में इसका स्प्रे कर देना चाहिए। और पानी की मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर अच्छी तरीके से पूरी फसल में छिड़काव कर दें। तो किसान भाइयों, उम्मीद है हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।